निर्गमन का अध्याय 32 पहले वचन से हम पढ़ते हैं। ये है पहला वचन 35 तक, 1 से 35 तक इसके वचन है यहाँ पर। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। ये आप समझ सकते हैं परमेश्वर की ज़रूरत मनुष्य में कैसी है। अगर मूसा ने बता दिया इसराइलों को कि इसराइलियों का कोई परमेश्वर उनको मिलना चाहता है और उसके द्वारा वो निकाल कर लेकर आया मिस्र देश में से इसराइलियों को, उन्होंने उसके काम देखे, तो उनका ये कहना है कि अब शायद से उतना ही समय तक वो परमेश्वर हमारे साथ था। अब मूसा का भी पता नहीं है, वो परमेश्वर का भी पता नहीं है, तो अभी कोई दूसरी शक्ति हमको प्राप्त करने की ज़रूरत है, नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ओके, यही कारण है कि सैतान का किंगडम बढ़ता जाता है, क्योंकि लोग परमेश्वर के छिप जाने की वजह से परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर अपना काम प्रकट नहीं करता है लोगों के ऊपर, और परमेश्वर के दास जब हमको प्राप्त नहीं होते हैं तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर अब हमारे लिए नहीं रहा, तो हमको कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरी शक्ति का पीछा करने की ज़रूरत है। हाँ, तो ये तरह से लोग अलग 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 रीति से जो शक्ति उनको सहायता करेगी वो शक्ति को वो सम्मान देते हैं, और जो शक्ति उनको सहायता नहीं करती है लेकिन अब उन उसके साथ उनका बहुत कुछ किया कराया है तो वो उसको सिर्फ एक नामधारी की तरह मानते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नामधारी मसीही लोग जो है, ठीक है, अलग अलग डिनोमिनेशन चर्चेस जिसको हम बोलते हैं, ओके, नामधारी चर्च केवल मसीह का नाम लेते हैं वो, लेकिन वो मसीह के अगवे या पवित्र आत्मा के चलाए हुए ऐसे जीवित कलीसिया नहीं है। वो लोगों का क्या प्रॉब्लम क्या हो गया है, अगर उनके घर में जाके देखो आपको धार्मिकता की ऐसी सुगंध मालूम पड़ेगी कि बाइबल पढ़ना, क्रॉस के सामने कैंडल लगाना, दिन भर टीवी के ऊपर बहुत कुछ अच्छा करके देखना और बहुत ही नम्र रहना, और अभी तो जैसा भी है उनका रहन सहन वो सब कुछ मसीह है करके दिखाने का पूरी तरह से पॉसिबल है, इतना वो करते हैं दान धर्म करना, ओके, ये सब कुछ वो करते हैं, तब इतना सब कुछ वो मानते हैं तो उनको फ़ायदा क्यों नहीं होता है फिर यीशु मसीह का, उनको फिर अन्य देवताओं को भी मानने की क्या ज़रूरत पड़ती है। आया समझ में? मैंने आपको पिछली बार बताया मसीह ही है एक इंसान, और वो लेडीज़ मुझे कह रही है कि आपके परेशान परिस्थिति में चुटकी भर मिर्ची पाउडर लेना है और ऐसे छिटक देना है तो आपका वातावरण एकदम शांत हो जाएगा। ये तो शक्ति का प्रयोग है, फिर ये शक्ति का काम क्यों, वो मसीह है, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया है, फिर उसको ये अन्य काम करने की ज़रूरत क्या है? क्या ऐसा परमेश्वर का आत्मा वो नहीं कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा का काम है? तो शक्ति का प्रभाव जिधर कम पड़ने लगता है इंसान भटकने लगता है। मैंने बहुत गहराई से देखा है ये बात को, मैंने बहुत करीब से देखा है ये बात को, मैंने क्या कहूँ मैं, स्वर्गदूत के समान ऐसे बर्ताव करने वाला, परमेश्वर का स्वर्गदूत जैसा है वैसा बर्ताव करने वाला एक पुरुष, मैंने इतना करीब से मैंने उसको अनुभव किया और वो परिस्थिति के अनुसार मैंने उसकी सहायता की और परमेश्वर के वचनों के द्वारा और आत्मा के द्वारा,
और मैंने देखा कि इसके इसके गहराई में एक पाप छुपा हुआ है, और उस पाप के विषय में ये जानता है। और मैंने उससे क्लियरली बात किया, उसने कहा बिल्कुल मैं जानता हूँ, और मैं कोशिश में हूँ कि मैं इस पाप में से आज़ाद हो जाऊँ। तो वो समय मैंने उसको कर्स ब्रेकिंग करवाया, जो श्राप का आत्मा निकल जाने के लिए रास्ता देना पड़ता है, वो कर्स ब्रेकिंग कर दिया। और उसके बाद वाला समय जो है, मैंने देखा कि वो अन्य देवी देवताओं के पीछे चलने वाले लोगों के साथ विरोध नहीं कर रहा है। जब मैंने उसको बताया कि ये अन्य देवी देवताएं जो जादू और मूर्ति और टोने ये सब करते हैं, ये लोगों की ये ग्रुप है, आप इन ग्रुप के साथ ज़्यादा रहना नहीं। तो उस इंसान ने वो इन क्या कहते हैं ना, उनको विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन वो विरोध ज़्यादा समय तक नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने देखा कि वो मेरे सामने ही उनके साथ फ्रेंडशिप में बात करने लगा, और उनके साथ मुझसे ज़्यादा वो उन लोगों को आदर देने लगा। और जब मैं उनको कुछ कहती थी, वो इंसान को, तो वो मेरी नहीं सुनता था, वो उन लोगों का ज़्यादा आदर और सम्मान करते हुए सुनता था। ओके, और उनके ग्रुप के कोई रिक्शा चलाने वाले या उनके ग्रुप के कोई ऐसे जादू टोना के अधिकार रखने वाले जो बैठक रखते हैं, जैसा उनका जो रहता है कि वो लोग उनकी उनके पास समस्याओं को सुलझाने के लिए एक समय रखते हैं, वो उस समय वो लोग वहाँ पर जाते हैं और कुछ कार्य करते हैं, और फिर वो समस्याओं के हल दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे समयों के अंदर जो काम करते हैं वो अधिकारी शैतान के राज्य के, वो बहुत ही स्पेशल, जैसे हम मसीह लोग स्पेशल दिखाई देते हैं, हमारे सर पर तेल का अभिषेक रहता है, हमारे चेहरे पर एक रौनक रहती है परमेश्वर के आत्मा की, हमारा चाल ढाल बोलना सब कुछ प्रभाव से भरा हुआ रहता है, वैसे ही शैतान के वो अधिकारियों के साथ रहता है। ओके, तो वो अधिकारियों को मैं जल्दी से पहचान जाती हूँ, और मुझे पता चल जाता है कि ये शैतान का बैठक रखने वाला इंसान है। ओके, तो ये उन लोगों के पास ये लोग जाते हैं, मसीह भाई, ये जिसके विषय में मैं कह रही हूँ, वो उनके पास जाता है, और वो सब जो प्रॉब्लम्स है उन लोगों का एक साथ बैठकर सॉल्व करते, वहीं पर ये जादू टोना करने वाले ये ग्रुप जिनके साथ ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखना, ऐसे मैंने कहा था, वो ग्रुप भी उनके बैठक में बैठता है। ये सब लोगों को वो अधिकारी लोग सिखाते हैं, आप आपस में एक मन रखना, आपस में दोस्ती भावना से रहना, एक दूसरे के विरोध में नहीं जाना, नहीं तो काम नहीं करेगा ये शैतान का आत्मा। ठीक है, तो ये उनके ऊपर रखा हुआ कंडीशंस है। तो ऐसे मसीह में होने के बावजूद भी वो इंसान मसीही लोगों को धोखा देने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, और दुष्टता के जगत में रहने वाले लोगों को सहायता करके उनके साथ हमेशा ही हमारे सामने मेल रख कर चलना उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम उनको विरोधी है और वो लोग उनके दोस्त हैं। ओके, तो शक्तियाँ इतना प्रभाव करती है मनुष्य के ऊपर। अब मूसा भी वैसे ही एक शक्ति का प्रभाव, परमेश्वर का सामर्थ्य लेकर आया हुआ इंसान था, जो इसराइल ने पाया, और फिर इसराइल को उसने छुटकारे के रास्ते चलाए। अब इसके बाद का समय आप सोच सकते हैं, जब वो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई उसको ढूंढने के लिए नहीं जा सकता है, क्या हुआ उसके विषय में कोई बता नहीं सकता है, तो अब इसके बाद का समय जीने के लिए इजराइल लोगों ने तुरंत दूसरी शक्ति को अवेलेबल करने का रास्ता भी पकड़ लिया। ओके, और हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटी बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तो आपको ये बहुत गहराई से ध्यान रखना है कि हम शक्ति के अधीन जाने वाले लोग हैं। बहुत गहराई से ध्यान रखना है, हमको शक्ति प्रभावित करती है। ठीक है, हमको शक्ति ललचाती है, हमारे अंदर शक्ति की क्या कहते हैं, वो प्यास है, शक्ति की प्यास है हमारे अंदर। ध्यान रखना,
हवा को भी बहकाया गया था उसी के कारण, तो परमेश्वर के समान बन जाएगी, ऐसा उसको कहा था। और उसने भी मान लिया कि वो फल सच में वैसा ही दिखाई देता है कि परमेश्वर के समान बन जाएगी वो। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शक्ति कहीं पर भी प्रयोग होती हो, कैसे भी होती हो, फायदा कैसा भी आता हो, कितना भी कैसा भी हो, शक्ति शैतान के ओर से है या परमेश्वर की ओर से आपको परखने आना चाहिए। ओके, और अगर आपके काम नहीं बन रहे तो आपको दिखाई देगा शैतान के लोग क्या फटाफट फटाफट शक्तियाँ उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे से क्यों नहीं हो रहा। ओके, तो आप शैतान के रास्ते देखने के लिए जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैसे सफल हो जाते हैं, उनकी शक्तियाँ कैसे काम करती है, तो आपको वहाँ पर फंसने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, आपके अंदर की वो लालसा कभी नहीं रखना। शक्ति शक्ति है, वो जरूर काम करती है, उसके उसके काम करने का ढंग अंदाज सब कुछ अब मनुष्य से अलग है, लेकिन उसके पीछे हमको नहीं जाना है। अगर हमारा काम नहीं होता है, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम शक्ति के पीछे नहीं दौड़ेंगे। आया समझ में? हमारा परमेश्वर, हमारा अगुआ जो हमको कहेगा, वो रास्ता हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमको परमेश्वर अगुवे देता है, वो अगुवे, अगर आप कलेसिया में है तो अगुवे है आपके लिए पासबान लोग। ओके, और अगर आप मिशनरी वर्कर है तो भी आपको परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है। ओके, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, और परमेश्वर आपको ऐसे संतों के साथ मेल मिलाप कराता है जिनके अंदर से आपको अगुवाई मिल सके। ओके, तो हर तरफ से आपको अगुवाओं से घेर लेता है परमेश्वर, लेकिन कभी समय ऐसा आ जाए कि आपको अगुवे ना प्राप्त हो, और परमेश्वर की शक्ति का आपको बेहद ज़रूरी है। आप डरना नहीं है, शांति से रहो, शांति से रहो। आप बिना शक्ति के और बिना अगुवाई के भी शांति से चलते रहो, परमेश्वर का हाथ आपको खुलने दो, वो शक्ति वो सामर्थ्य जो पवित्र है, और अगुवाई जो परमेश्वर की ओर से, उसके अलावा और कोई भी बातों के पीछे आप जाना नहीं। ओके, परिस्थितियां हमको वैसा व्याकुल करती है, लेकिन हमको उसके पीछे नहीं जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा वचन। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे, हे इसराइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख कर हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। तो अभी आपको दिखाई दिया, जब परमेश्वर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, उसकी शक्ति का दर्शन आपको नहीं मिल रहा है, उसके अगवे आपको नहीं टच कर रहे हैं, छू नहीं रहे, आपको मिल नहीं रहे, तो वो समय ऐसा रहता है कि परमेश्वर आपके हलचल से वाकिफ है। ध्यान रखना, परमेश्वर आपके गड़बड़ियों से वाकिफ है कि आप उसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, संयम आप रखना है, बस इसके अलावा इसका कोई और जवाब नहीं। इंतजार बेस्ट आंसर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। आपने क्या किया है वो भी वो बता दिया, उसने बछड़ा ढालकर बना दिया, मार्ग छोड़ दिया। ओके, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। वो सब कुछ देखता है आपके गड़बड़ियों में, आप कौन से चीज़ें कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हे इसराइलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं।
हमारा परमेश्वर मनुष्य जाति को अच्छे से जानता है, ठीक है? वे हठीले हैं, इसको सर्कल करना। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। जैसे नूहा को परमेश्वर ने अलग किया, बाकी सबको खत्म किया, तो अभी दूसरी बार वो ये प्लान कर रहा है कि अब रुक जा, क्या करने वाला हूँ, तुझे मैं सिर्फ मूसा अलग करता हूँ और वो सब लोग जो तूने बाहर निकाला है सबको भस्म कर देता हूँ, और फिर तुझ में से दोबारा मैं मेरे लिए एक अच्छी बड़ी जाति निकालूंगा। ये उसका प्लान हो गया था। ओके, तो परमेश्वर बहुत खतरनाक है आपके लिए। आपके हट के सामने वो नाचने वाला परमेश्वर नहीं है। ध्यान रखना ये। ओके, वो आपको मिटा देगा और दूसरे को उठा के उसका रास्ता खड़ा कर देगा, ठीक है? वो आपके इशारों पर नाचने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको बहुत बेहतर रीति से समझ जाना है, ठीक है? तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। अब जब नोहा को बोला था कि तू बाजू में एक नाव बना दे और तुझे मैं बचाऊंगा और बाकी सब पानी में डूबने वाले हैं, तो उसने आज्ञा पालन किया था। अब मूसा को क्या प्रॉब्लम है आज्ञा पालन करने के लिए, है ना? मूसा भी बोलना चाहिए था, ठीक है अब जैसे तू करेगा वैसे करने दे, ठीक है चल आगे क्या करना है बोल। ओके, लेकिन मूसा का हृदय परमेश्वर के साथ रहते रहते एक अलग दिशा में चला था। आपको पता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये लोगों के समान मूसा एक उनके साथ संगति वाला हो गया था। जो डिस्कशन में वो एक दूसरे की बातों को मानते थे, परमेश्वर मूसा को की बात मानता था, और कभी मूसा ने अगर कुछ परमेश्वर को कहा तो परमेश्वर मूसा के लिए वैसा भी अपने मन को बदल देता था। ये है आपका सच्चा रिश्ता परमेश्वर के साथ, और ये होना चाहिए हमारा ऐसा रिश्ता, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा गहरा समय मूसा ने परमेश्वर के साथ बिताया हुआ है, ठीक है? तो आपका परमेश्वर के साथ समय बिताना ऐसा ज़रूरी है कि आपको परमेश्वर कुछ कहे तो आपको दिक्कत नहीं होना है, और अगर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कह रहा है और आपको पता चल रहा है कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत लग रहा है परमेश्वर, तो वो बोलने की हिम्मत भी आपको उसके लिए होना चाहिए, और परमेश्वर आपके आवाज़ को सुनेगा और रास्ते बदलने के लिए भी परमेश्वर तैयार हो जाना चाहिए कि आपने कहा है इसके लिए मैं छोड़ देता हूँ। ओके, मैंने बहुत अनुभव किया है ये बातों को, और ये एक रिश्ता है जो सारे परमेश्वर के दास रिश्ते में परमेश्वर के सम्मुख बने रहते हैं। इसके लिए हमको उनके साथ आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि निरंतर वो परमेश्वर के करीब रहने वाले लोग रहते हैं, ठीक है? अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो वो हमारे खातिर परमेश्वर का मन हमारी ओर बदलने में भी वो कामयाब हो जाते हैं, ठीक है? आप बहुत ध्यान रखना सेवकों के विषय में, उनको ग्रांटेड नहीं लेना कि चलता है, ऐसे नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। ओके, अपने दास अब्राहम इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तो कितना बड़ा बड़ा उसने प्रॉमिसेस करके रखा था, कितना बड़ा प्लान, और इतनी मेहनत मूसा का शरीर जानता है कैसे कैसे घसीटता 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 आया है वो इन लोगों के मध्य में, परमेश्वर के और ये लोगों के साथ संगति में। ओके, वो अपने बल के जो कष्ट है
वो अपनी ताकत के जो मेहनत है वो खोना नहीं चाहता है। ओके वो बिल्कुल खोना नहीं चाहता है, चाहे वो परमेश्वर उसको खोना खोने की मनोकामना रखे तो भी। मूसा का मन ऐसा हो गया है, मैंने इतनी मेहनत की है, इतना मैंने तुम दोनों के बीच में चकनाचूर होता हुआ आया हूँ, और अब मुझे और आगे जाना है। जितना तूने कहा है मेरी आंखों के सामने मेरे दिमाग में घूमता रहता है, और वही मुझे होता हुआ देखना भी है। मैं इतना मन लगा के चल रहा हूँ, ये बीच में तो क्या डिसबैलेंस कर रहा है बातों को कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ओके तो आप ऐसा नहीं करना परमेश्वर। ओके तो मूसा का एक बड़ा मेहनत का प्रतिफल भी इंतजार कर रहा था, जो मूसा गवाना नहीं चाहता था। मूसा एक डायरेक्शन में चल रहा था, और हर समय वो एक डायरेक्शन पूरा करके आगे जाता था, अलग नया डायरेक्शन, अलग नया डायरेक्शन। तो ये एक नया नया तरह से वो आगे आगे देखते हुए चल रहा है, अचानक से उसके सामने से सारे डायरेक्शंस परमेश्वर उखाड़ देना चाहेगा तो वो अंधा गूंगा बहरा समान हो जाएगा। वो सोच में पड़ेगा अब मेरे शरीर के लिए क्या काम बाकी है, कुछ भी नहीं, सब कुछ तो मिटा दिया परमेश्वर ने, अब मेरे लिए क्या काम बाकी है। वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो अपने अंदर का जो मेहनत है वो भी उसको खराब होने की मनसा नहीं थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तब मूसा फिर कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया, और उन तख्तियों के तो इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी। इसको बॉक्स कर देना ये वचन 15:16। और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। जब यहोशू के लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, वह जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का है और न हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुन पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना देख पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा, और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। अब देखो कैसा है ये, है ना। ये एक पवित्र गुस्सा है ये। ओके ये पवित्र गुस्सा है, क्योंकि हम परमेश्वर के इतने करीब हो चुके हैं, परमेश्वर के इतने अंदर हो चुके हैं कि हमको हमको परमेश्वर का पसंद और नापसंद समझने में टाइम नहीं लगता है। ओके और हम वो इतना बोझ हमारे सर के अंदर होता है, जब हम दुनिया में इतनी बातें देखते हैं परमेश्वर के खिलाफ चल रही है, तो हमको हम और परमेश्वर जिस तरह के मन में है, जिस तरह के मन के सोचों में है, वो सोचों में से देखेंगे तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर क्या करना चाहता है और ये लोग क्या कर रहे हैं। ओके और फिर बाद में अगर कुछ और ज़्यादा बखेड़ा करेंगे वो लोग, तो हमको एक प्रकार का क्या कहते हैं ना, उसके जोश के साथ हमको क्रोध भी हो जाता है, काफ़ी भड़क भी उठते हैं हम। ओके तो ये तरह से हमारे अंदर का इमोशंस परमेश्वर के आदर के लिए हमने रखे हुए हैं, और जब वो इमोशंस के खिलाफ हमको दुनिया में दिखाई देता है तो हम बिगड़ जाते हैं। ओके हम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो इमोशंस है जो परमेश्वर के साथ रहने की वजह से हमने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत 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 बातें हमने समझ लिया है, देख लिया है, पहचान लिया है। और हम जब देखते हैं कि ये बातें किसी इंसान के लिए है, और वो इंसान आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ओके वो इंसान आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आपको उस इंसान के ऊपर ज़बरदस्त क्रोध आ जाता है, ज़बरदस्त छटपटाहट हो जाती है उस इंसान के खिलाफ में आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आप तनाव में रहते हैं,
आपके पास परमेश्वर का भरा हुआ एक ट्रेशर, एक खजाना है, और वो एक आपके अंदर का वातावरण आपको अंदर से कह रहा है कि अब मिस्टेक नहीं करना, अब सीधा चलना है, अब बिल्कुल डगमगाना नहीं है। और वो जिसको लेकर आप आ रहे हो, उसके सामने जो आपको कोऑपरेट करना चाहिए वो सही कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आपका अंदर का वो स्ट्रेस, वो तनाव, सब कुछ फोट कर आ जाता है बाहर। ओके, छटपटाहट से आ जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना देख पड़ा, तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डालकर फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इसराइलियों को उसे पिलवा दिया। तब मूसा हारून से कहने लगा, उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु को का कोप ना भड़के, तो उन लोगों को जानता ही है कि वे बुराई में मन लगाए रहते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिस के पास सोने के गहने हो, वे उनको तोड़कर उतार लाए, और जब उन्होंने मुझको दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब वह बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हुए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, अपने वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो, जिससे वह आज तुमको आशीष दे। देखा, दोबारा परमेश्वर के आंगन में पहुंचना एक बहुत बड़े, क्या कहते हैं ना, उथल पुथल होकर आना पड़ता है। हमने अपने गले लगाए हुए चीज़ों को छोड़कर दोबारा सब कुछ झटक कर अपने आप को सरल मार्ग में रखकर परमेश्वर के अधीन हो जाना बहुत ज़रूरी होता है माय फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि हम जिन बातों में लिपटे हुए हैं, गले में लगाए हुए हैं, बहुत ज़रूरी बातें हैं, हमारी मन की बातें हैं, बहुत अपने अंदर बनाए रखे हैं, वो सब कुछ हमको पाप में लेकर जाता है और परमेश्वर से दूर कर देता है। और फिर जब परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आता है, कोई हमको बोलता है ये करो वो करो, तो हम वो नहीं सुन पाते हैं। इसके लिए ये बहुत ही बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जब हमको परमेश्वर के पास दोबारा मुड़ने का रास्ता मिलता है। हमको वो बहुत कुछ छोड़ के, सब लपेट कर रखे हुए बातों को हटा देना पड़ता है, मन से दूर करना पड़ता है, उथल पुथल होकर आना पड़ता है। जैसा अर्थक्वेक होता है वैसा हमको होकर बाहर निकल के आना पड़ता है, फिर बाद में हमको आशीष मिलती है। ये बात आप कभी नहीं भूलना है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी बात होती है। अगर आपको आशीष चाहिए तो आपने कहाँ पर आशीषें खो दी है, उस समय आपने क्या क्या गले लगाए रखा है, क्या क्या मन में बिठाए रखा है, सब कुछ आपको धकेल कर बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है? वो रखते हुए आप आशीष पाना चाहोगे, नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखना ये बात। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तो अब ये आ गया, हमारे लिए यीशु मसीह ने पाप का प्रायश्चित किया, ठीक है? तो अब देखो, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा।
तो हमारे लिए यहोवा के पास कौन चढ़ गया? मसीहा, यीशु मसीहा। ओके, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय। तो आपको समझ में आना चाहिए, पापों का प्रायश्चित आप अपने लोगों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने पाप किया है और जिनको आप अभी अपने शायद से आपने मैरिज किया है, अब हस्बैंड को आप छोड़ नहीं सकते हैं, या फिर जो परिवार में आप जी रहे हैं, आप विश्वास में आ गए लेकिन आप मम्मी पापा को छोड़ नहीं सकते हैं, आप जो भी ऐसा जगह है जहाँ पर आप ब्लड के साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो फिर आप समझ में आते हैं कि पाप का, उनके कारण का जो परमेश्वर का क्रोध है, आपको कभी आशीष होने नहीं देगा, ठीक है। तो उनके कारण फिर आप प्रायश्चित कर सकते हैं, ठीक है, आप परमेश्वर से माफ़ी उनके कारण मांग सकते हैं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवा कर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। तो अब ये प्रायश्चित देखो कैसा किया उसने, उसने परमेश्वर को चुनौती दे दी। तू कहता है तू मेरे अंदर से बड़ी जाति उपजाएगा और इन लोगों को भस्म करेगा, ये तेरा प्लान था, तो अब मैं तुझे मेरा प्लान बताता हूँ। अगर तू इनको क्षमा नहीं करेगा तो मेरे अंदर से भी जाति नहीं बना सकेगा, तो पहले तो मेरा ही नाम कट कर दे तेरे पुस्तक में से। अब तूने इन लोगों को स्वीकारना है तो मेरा नाम उनके साथ रहेगा, अगर तूने नहीं स्वीकारा तो सबसे पहला तो मेरा नाम काट दे, फिर तुझे जो करना है कर इसके साथ। ओके, तो ऐसा हमको परमेश्वर के सामने खड़े होना पड़ता है हमारे लोगों के कारण। ध्यान रखना, ये एक चैलेंज दे देता है परमेश्वर को, और तभी परमेश्वर का जो काम शुरू होता है वो अद्भुत काम आप देखने लगेंगे, ठीक है। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपने पुस्तक में से काट दूंगा, अब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझ से की थी, देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पार का भी दंड दूंगा, इस पाप का भी दंड दूंगा। देखो, परमेश्वर ने समय ठहराया हुआ है पाप का दंड देने के लिए, ध्यान रखना। तो आप कभी ऐसा मत सोचो माय फ्रेंड, चिकन मटन खा रहे हो, मजा कर रहे हो और घूम रहे हो, फिर रहे हो, आनंद कर रहे हो, हंस रहे हो, उछल रहे हो, कूद रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, बहुत ही ब्यूटीफुल चकाचौंध लाइफ है, जबरदस्त। ये मत समझिए कि आपके पाप का दंड आप तक नहीं पहुंचेगा, ये मत समझिए कभी, ठीक है। जब निकलेगी तो बहुत बुरी तरह से निकलती है वो सारी बातें, ठीक है। तो याद रखना, किसी के भी अवस्थाओं के ऊपर हंसना नहीं, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा करता है और ढीठ लोगों की अवस्थाओं का बराबर से हिसाब दे देता है, ठीक है। तो कोई मनुष्य नम्र रहे या ढीठ या घमंड रहे, पाप का हिसाब निकलना ही निकलना है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति भेजी, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय पढ़ेंगे। इसमें एक वचन से लेकर 37 तक वचन है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, यह निश्चित है कि वे बातें जो पाप का कारण है आएंगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है, जो इन छोटी छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता,
सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे डांट। ध्यान रखना, ये नए नियम में लिखा है। अभी आपने इसराइल की बातों को देखा, ओके, मूसा ने जाके उनके खातिर पश्चाताप किया और परमेश्वर ने बोला ठीक है चल, जो तू कह रहा है वो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं तो बदला नहीं छोड़ूंगा। ओके, पाप का दंड तो मैं देना ही है उनको। ओके, तो इससे पहले क्या करना चाहिए आपको? अगर भाई अपराध करे तो उसे डांट, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। ठीक है, अंडरलाइन करना इसे। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7ों बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। देखो, आपको माफ करने का कंडीशन दिया है। ओके, आपको कंडीशन दिया है, अगर वो पछताए, यदि वो पछताए। ध्यान रखना, बहुत गलती करते हैं हम इस बात में। हमको लगता है कि माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। नहीं, हमको उन लोगों को माफ़ करना है, हमको डांटते रहना है जब तक वो पछताते नहीं है। ओके, डांटते रहना है, डांटते रहना है, डांटते रहना है, फटकारते रहना है, फटकारते रहना है, और जब वो पछताए क्षमा कर दो उसके बाद। ओके, और जब तक नहीं पछताते हैं तो वो ढीठ पाप करने वाली जाती है, आपको उनके साथ फटकार कर जीना पड़ता है। याद रखना ये बात को। ओके, उनके साथ नम्रता का व्यवहार दे, उनके साथ डांट फटकार के व्यवहार से आपको चलना ही चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ढीठ के पाप का आत्मा है। ओके, तो पछताने तक उनको आप छोड़ना नहीं है, उनको डांटते फटकारते ही जीवन के अंदर उनके साथ तय करना है कि ये तो अपराध में से, इसको या तो अलग होना पड़ेगा या फिर ये परमेश्वर के डांट और फटकार को खाता रहेगा। ओके, आप ध्यान रखना ये बात को। तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है? तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। अब ये आ गया विश्वास की बात। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। देखो, ये भी एक अलग प्रकार का बिहेव से। पहला बिहेव क्या दिया था आपको कि आप फटकारो, डांटो, अगर वो गलती कर रहा है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा है, उसको डांटो, फटकारो, हाँ, उसके ढीठपन को तोड़ो, उसके ढिटाई को तोड़ो, हाँ। जब तक आप उसके ढिटाई को नहीं तोड़ते हैं, उसके अंदर से पछतावा नहीं आएगा। ठीक है, अब परमेश्वर का आत्मा उसके ढिटाई को टच करता है, तब वो ढिटाई खत्म हो जाती है और परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर आने लगता है और उसका हृदय में पछतावा आने लगता है, वो पाप से बच सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको परमेश्वर का प्यार जो है वो अंदर से हमको बनाए रखना है उसके लिए, और उसको चेतावनी देते रहना है, देखो गलत कर रहे आप, ओके, देखो ये सही नहीं कर रहे, देखो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, देखो बहुत बड़ी परेशानी में आ जाओगे, आपको समझ जाना है ये परमेश्वर है हमारा। ओके, ये वचन है हमारा, ये वचन के आधार से आपको इस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। ध्यान रखना इस बात को, आप इस तरह से उनको डांटते रहना है। ओके, तो आपको ये बोलने की वजह से उनके अंदर का जो ढीठ का आत्मा है वो टक्कर खाते रहता है और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ फाइट करेगा। वो एकांत में अगर कभी बैठा तो इस बात के अनुसार वो सोचेगा कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, हमको ये नहीं करना चाहिए। ओके, और वो परमेश्वर का प्रेम के कारण, वो परमेश्वर के आत्मा का टच होने के कारण पछताएगा और क्षमा प्राप्त कर लेगा, मुसीबतों से फंसने में बच जाएगा। ठीक है, तो इस ये एक हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, देखो, अगर कोई मालिक है, उसका अगर कोई नौकर आ जाता है तो वो मालिक क्या बोलेगा? ठीक है, तू काम करके आया, अब खाने का समय है, बैठ जा खा ले, ऐसा बोलेगा। लेकिन ये नहीं बोलेगा वो, तू बैठ, मैं तुझे परोसता हूँ। ओके, ये नहीं कहेगा, तू बैठ जा, मैं तेरा टिफिन बॉक्स खोलता हूँ और तेरे लिए
प्लेट तैयार करता हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा वो। तो यहाँ पर ये भी एक हमारा गुण, हमको मसीह का गुण समझ में आना चाहिए। देखो क्या कहा है, एक तो विश्वास के बारे में, राई के दाने का विश्वास अगर है तो वो पहाड़ को समंदर में जा कोई पेड़ को समंदर में जाकर गिर कहेगा तो वो गिरेगा। ओके, और ये तीसरी बात क्या हो गया, अभी हम अगर मालिक है तो हमारे से अलग जो हमारी हमारी सेवा करता है वो इंसान को कभी हम ये नहीं कहेंगे तू बैठ और मैं तेरे लिए प्लेट तैयार करता हूँ, है ना। तो वो एक दुनिया का तरीका है, मालिक लोगों का जो एक हौदा रहता है, जो हुद्दा रहता है उनका, वो अलग तरह से उनकी चमक दमक में वो झुकने वाले लोग नहीं रहते हैं, उनके सामने लोग झुकने हैं और वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं, वो एक अलग प्रकार का उनका रवैया रहता है। ओके, वो सैटनिक किंगडम है जो परमेश्वर के सामने सैटन जो लूसीफर है झुकना नहीं चाहता है। ओके, वो घमंड रख कर अपने स्थान में, वो परमेश्वर के तुलना में ऊंचे स्तर पर है, ऐसा ही वो जगत के अंदर अपने आप को दिखाना चाहता है। ओके, तो इसकी वजह से उनके अंदर झुकना नहीं पता है उनको, वो उनके अंदर के अधिकारियों के सामने झुकेंगे, लेकिन मनुष्य जातियों के साथ में व्यवहार में वो हमेशा वो स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखेंगे कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं बहुत बड़े ऊंचे पोजीशन वाला हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं वो हूँ, उनकी रवैये हमेशा अलग रहेंगे लोगों से। ओके, तो इस तरह से उनके पोजीशंस को वो कभी भी जो उनके सामने वाले हैं उनके सामने झुकेंगे नहीं वो अपने पोजीशन की खातिर। ठीक है, तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है कि जिसका दास हल जोतता है या भेड़े चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, क्या वह उनसे न कहेगा कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पियो तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तो भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी है ना। तो ये सारे रवैया आपको समझ में आता है, दुनिया में ये रवैया को वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो हम मसीही जो है, हमारा जो बिहेव से, हमारा जो उठना बैठना है वो ये वचन के खातिर है माय फ्रेंड्स, ये वचन के खातिर है। ये आपने आज पढ़ लिया तो आप इस तरह से अगर आज से जीना शुरू करेंगे तो आपके व्यवहार को देखकर लोग हंसेंगे, वो कहेंगे इतना बड़ा इंसान है, देखो कैसा फालतू लोगों के साथ बातें कर रहा है ओके, तो इस तरह से वो अपनी बेइज्जती करेंगे, हमारी बेइज्जती करेंगे, हमको बदनाम करेंगे। लेकिन हम किसके आधार लिए हैं, फाउंडेशन क्या है, हमने आज लूका का 17 अध्याय में ये वचन पढ़ा है, इसके कारण हमने आज हमारा रवैया इस तरह से चलना शुरू किया है। तो ये वचन के आधार आपके फाउंडेशन बनते हैं, तब आपका जीवन मजबूत रहता है, चट्टान पर बंधा हुआ घर रहता है और वो कभी कोई गिरा नहीं सकता है। किसी का बेइज्जती करना आपको मायने नहीं करता है, वो कोई आपके लिए जरूरी नहीं है, सोचने की बात नहीं है। ओके, कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। 10 वचन, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके हो जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। एक कोढ़ी और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील प्रदेश की सीमा से होकर जा रहा था और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। लेवीय व्यवस्था के 13 अध्याय का 46 में इसका विवरण आपको मिलेगा। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। लेवीय व्यवस्था के 14 अध्याय के 2 और 3 वचन में इसका विवरण है। तब उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पावों पर मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा क्या 10 शुद्ध न हुए,
तो फिर वे नौ कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला? और जो परमेश्वर की बड़ाई करता, तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यही है, यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ओके, तो 20 और 21 को बहुत अच्छे से गहराई से बॉक्स करो, स्टार करो। हमको परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य ऐसा हम बोलते हैं, तो वो कहता है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अंदर है, वो ध्यान रखना ये आंसर के बारे में, ठीक है। और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक छोर से कौंध कर आकाश की दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। ओके, तो ये है प्रकट होने की बात, ठीक है। जो दिन हमको देखना है, हमको लगता है कि हमको ये दिन देखना है, तो ये कह रहा है चेलों से कि तुम वो दिन नहीं देख पाओगे जिस दिन को तुम देखना चाहते हो। मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन है जिस दिन को देखना चाहेंगे तुम लोग, ओके, लेकिन तुम लोग देखने नहीं पाओगे। क्यों नहीं देखने पाएंगे? क्यों नहीं? ओके, देखना है, आप देखने की मनसा रखेंगे लेकिन आप देख नहीं पाओगे। तो क्यों ऐसा देखने की मनसा होने के बाद भी आप देख नहीं पाओगे, है ना? तो इसका मतलब है ये दिन जो है देखने के लिए रखा गया है, यानी परमेश्वर का राज्य देखने के लिए नहीं रखा है, वो दिखने वाला नहीं है। आप पूरी पूरी उम्र भर आप याद करते रहो परमेश्वर का राज्य मुझे देखना है, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, मतलब एक घर रहेगा, उसके अंदर एक फोटोग्राफ रहेगा, या फिर एक परमेश्वर का कुछ तो बाइबल रखा हुआ रहेगा, और फिर हम वो परमेश्वर का राज्य बोलेंगे उसको। ऐसा कोई चीज नहीं है, वो देखने वाली बात नहीं है। वो परमेश्वर का राज्य, वो कहता है तुम्हारे मध्य में है। हाँ, अब परमेश्वर भी क्या कहता था, मैं इसराइल के मध्य में रहूंगा, ओके, चलता फिरता रहूंगा, ठीक है। तो परमेश्वर उसके राज्य के अंदर वो है और हमारे अंदर वो है, वो राज्य है और हमारे अंदर वो परमेश्वर है, ठीक है। ये हमको विश्वास के द्वारा ग्रहण करना है, इसको हमको आंखों से देखना नहीं है, इसको हमको ग्रहण करना है। लेकिन एक दिन है ऐसा जो वो कहता है कि आप लोग देखने का मनसा रखेंगे, ओके, आप लोग देखने की चाहत रखेंगे, ठीक है, लेकिन आप देख नहीं पाओगे। क्या कारण है देख नहीं पाओगे, है ना? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा क्या प्रॉब्लम किया चेलों ने कि वो देख नहीं सकेंगे उनको, ठीक है, उसको? तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, लोग तुमसे कहेंगे। देखो अभी अभी देखो यहाँ पर चेलों के विषय में कह रहा है, वो चेलों के विषय में कह रहा है कि तुम वो दिन देख नहीं पाओगे, और वो कह रहा है कि लोग तुमसे कहेंगे यानी वो चेले अवेलेबल रहेंगे उस समय में, ओके, मौजूद रहेंगे उस समय, और लोग कहेंगे चेलों को कि देखो वहां है, देखो यहाँ है, ओके, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि ये है, देखो परमेश्वर का वचन कहता है तुम देख नहीं पाओगे, और फिर वो कह रहा है लोग तुमसे कहेंगे, मतलब वो अवेलेबल है और लोग उनको बोलेंगे, देखो पर मनुष्य के पुत्र का वो दिन आ गया, देखो वहां पर है वो दिन, देखो वहां यहाँ पर है वो दिन, ऐसा कहेंगे। तो भी चेलों ने उनका नहीं सुनना है और ना ही उनके पीछे हो लेना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि एंड टाइम्स, एंड टाइम्स, एंड टाइम्स में ऐसा होने वाला है, एंड टाइम्स में वैसा होने वाला है, देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे जो लगातार न्यूज़ आते रहती है, पृथ्वी टूटने वाली है, आकाश टूटने वाला है, ये होने वाला है, वो होने, ये सारी बातें जो होती है इसके पीछे हमको नहीं जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि तुम देख नहीं पाओगे। तो
तो फिर हम नहीं देख पाएंगे, तो ये लोग जो बता रहे हम उसको कैसे देखने के लिए जाएं? वो एक सिर्फ अद्भुत काम हो रहा है, उसको हम देख सकते हैं। ओके, जैसे ग्रहण हो रहा है, ठीक है, हम देख लिया टेलीकास्ट में से, या फिर कुछ पृथ्वी के भागों में कुछ चेंजेस हो रहा है, हमने सैटेलाइट के माध्यम से टीवी के ऊपर दिखाया, हमने देख लिया, कोई बात नहीं, वो अलग बात है। लेकिन ये कहेंगे कि एंड टाइम्स में ये था, और देखो मनुष्य के पुत्रों का ये दिन आने वाला था, देखो ये देखो, ये देखो आ गया है, ये दिन आ गया, ये है, ये है, तो इसके पीछे आप नहीं जाना है, ये कह रहा है वचन, ठीक है। और जब मनुष्य का पुत्र आने का जो दिन ठहरा हुआ है उसके विषय में वो कहता है, जैसे बिजली आकाश की एक छोर से कौंध कर आकाश की दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा, ठीक है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है, जब आकाश में बिजली चमकती है एक छोर से दूसरी छोर तक चली जाती है, वैसा बोला है, वैसा वो टाइप से, वो तरह से मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होने वाला है। और ये प्रकट होने के विषय में वो कहता है कि तुम नहीं देख पाओगे वो प्रकट होना ओके, वो तुम देख नहीं पाओगे वो प्रकट होना। आगे हम पढ़ते हैं, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। ये बॉक्स करना, बहुत अच्छे से स्टार करना और बोलना इसे, ठीक है। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। तो हम बोलना है, प्रभु यीशु तूने हमारे लिए तुच्छ हो गया है और तूने हमारे लिए दुख को उठाया है, हम इसे कबूल करते हैं। इस तरह से हमको ये वचन को यूज करना है। जैसे नोह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। इब्रानी के 4 अध्याय के 7 में और मत्तै के 24 अध्याय के 37 से 39 तक और उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5 से 12 तक इसके विषय में लिखा हुआ है, नोह के दिनों के विषय में, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। अब नोह के दिनों में जो हो रहा था वो और मनुष्य के पुत्रों के पुत्र के दिनों में भी होना, इसके विषय में आपको क्या होना था, क्या हो रहा है, ये रेफरेंस के वचन मैंने आपको बताया, ठीक है। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी, तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। और जैसा लोत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 6 में लिखा हुआ है इसके विषय में, और यहोशुआ के 1 अध्याय के 7 में लिखा है, और उत्पत्ति के 19 अध्याय के 24 में लिखा है। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे, लूत की पत्नी को स्मरण रखे। उत्पत्ति के 19 अध्याय के 26 में और उत्पत्ति के 19 अध्याय के 17 में इसका रेफरेंस है। 33 वचन, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे बचाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियाँ एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लाश है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। अय्यूब की किताब के 39 के 30 में इसके विषय में थोड़ा लिखा हुआ है, यही विषय नहीं है, वो गिद्ध के विषय में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, यहेजकेल की भविष्यवाणी 14 अध्याय हम पढ़ेंगे।
पहले वचन से पढ़ेंगे, सॉरी, पहले वचन से पढ़ेंगे। ये वचन है 23 तक। फिर इसराइल के कितने पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तो उनसे कहे, प्रभु यहोवा यह कहता है, इसराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तियां अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यद्वक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इसराइल का घराना जो अपनी मूर्तियों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं इन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। इसलिए इसराइल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यह कहता है, फिरो और अपनी मूर्तियों को पीठ के पीछे करो और सब अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, क्योंकि इसराइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों न हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्तियां अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म को ठोकर अपने सामने रखे और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यद्वक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। ओके, तो अपने लाइफ को क्लीन करते हुए, क्लीन होते हुए परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए जाना है, यानी हम परमेश्वर से पहले अपने अपराध कबूल करके माफ़ी मांग लेना है और फिर परमेश्वर से अपनी विनतियों को रखना है, नहीं तो वही ठोकर रखते हुए, अधर्म के काम रखते हुए हम परमेश्वर से मांगेंगे तो हमको वो अधर्म के अनुसार ही जवाब देगा। वो अधर्म को क्या देता है? पनिशमेंट्स। वो पनिशमेंट्स हमारा जवाब रहेगा। ठीक है, मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नाश करूंगा, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यदि भविष्यद्वक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यद्वक्ता को धोखा दिया है और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इसराइल में से नाश करूंगा। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यद्वक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा वैसा ही भविष्यद्वक्ता का भी अधर्म ठहरेगा। ये एक बहुत बड़ा केस हो गया था भविष्यद्वक्ता के विषय में। एक प्रचलित भविष्यद्वक्ता थे, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के विषय में भविष्यवाणी की और वैसा हुआ नहीं। ओके, वैसा हुआ नहीं, लोगों के सामने वैसा हुआ नहीं, तो वो काफ़ी लोगों ने ये वचन से उनको फटकारा था कि अब परमेश्वर आपके विरोध है और परमेश्वर ने ही आपको ऐसा झूठा भविष्यवाणी का शब्द दिया ताकि आपको नाश करे वो। ओके, लेकिन उनके साथ परमेश्वर की दया बनी रही, वो आज भी बहुत बेहतर और उससे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, और उनके जीवन में उनको जो परमेश्वर ने बताया वो ये है कि उनकी भविष्यवाणी झूठी नहीं थी, जो उन्होंने कहा वो झूठा नहीं था। ओके, लेकिन परमेश्वर के पास ऐसे जो प्रार्थनाएं आए थे जिनको परमेश्वर देना चाहता था जवाब, क्योंकि वो उस जवाब के बाद में आने वाले जो दर्दनाक अनुभव है वो उनके प्रार्थनाओं के कारण वो दर्दनाक अनुभव उनको मिलेगा, ये परमेश्वर उनको दिखाना चाहता है। ओके, तो वो अलग प्रार्थनाएं कर रहे थे और ये भविष्यवाणी के अनुसार वो अपने मन को नहीं बिठा रहे थे, तो परमेश्वर जैसा क्रोधित हो गया था, इस तरह से परमेश्वर ने उनको जवाब दिया, ठीक है तुम जो मांग रहे हो ना मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ तुमको पीड़ाएं भी रहेगी। तो अब वही हो रहा है, जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया, लेकिन साथ साथ ज़बरदस्त पीड़ाएं भी उनको मिल रही है। ओके, और वो डर गए हैं। ठीक है, तो ये भविष्यवाणी झूठी नहीं थी जो भविष्यद्वक्ता ने की थी, उनके राज्य जो परमेश्वर के साथ बना हुआ संबंध अभी भी बहुतेरे से ज़्यादा और
बहुत आयत से अभिषेक में भरा हुआ है, उनको कोई नाश नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यद्वक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा वैसा ही भविष्यद्वक्ता का भी अधर्म ठहरेगा, ताकि इसराइल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना न छोड़े और न अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धार्मिकता के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। ओके, तो आपके का आप अगर परमेश्वर के धार्मिकता में हो तो अपने प्राणों को बचाने का रास्ता आपको मिलेगा, लेकिन आपके संगति में जो लोग हैं उनके लिए जो परमेश्वर का पनिशमेंट्स अगर भेजा गया है, मरी भेजी गई है या कोई रोग या कोई प्रकार के नाश होने वाले ऐसे क्लाइमेट या बाढ़ या कोई भी पृथ्वी के नेचुरल डिजास्टर्स अगर परमेश्वर ने लगाए, तो उसके अंदर से अगर हम परमेश्वर में धर्मी हैं तो हम अपने बचने का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम औरों को बचाने के विषय में परमेश्वर नहीं कहता है। हम प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन बचने का रास्ता पहले तो हमको परमेश्वर बोलता है कि तुम अपने प्राणों को बचाने का बिल्कुल जिम्मेदारी उठा सकते हो। तो हमेशा विपत्तियों में ध्यान रखना, आपके लिए वो विपत्तियां नहीं रहेगी। अगर आपने प्रार्थना किया तो परमेश्वर आपको बचाते हुए आगे लेकर जाएगा, और विपत्तियां जो बाकी लोगों पर उतर रही है वो उनके गुनाहों के कारण, दोष के कारण या कोई भी प्रकार से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता है, तब आप उन लोगों के लिए माफ़ी की प्रार्थना कर सकते हैं और उनको भी बचने का रास्ता परमेश्वर से मांग सकते हैं। ये दोनों काम आप कर सकते हैं। अपने आप के लिए तो गारंटेड है आप परमेश्वर से बचा लिए जाना है, और दूसरों के लिए आप माफी मांगते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ कर डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर न जाए, तो चाहे उसमें वे तीन पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूँ, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नाश करूँ, तब चाहे उसमें वे तीन पुरुष भी हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। तो प्रभु परमेश्वर कभी कभी ऐसा भी वातावरण दे रहा है, ठीक है, जहां पर सिर्फ धर्मी लोग बचेंगे, बाकी कोई नहीं बचेगा। ओके, वो भी तीन लोगों के नाम लिए, मतलब उस संगति के अनुसार वाले कोई लोग रहेंगे तो परमेश्वर उनको बचाएगा आत्मिक जीवन में। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाना चाहती हूँ, हम जब आत्मिक युद्ध करते हैं तो परमेश्वर का आत्मिक युद्ध करने का तरीका देखो क्या है, वो कैसा किया। देखो, मैं उस देश पर तलवार खींच कर कहूंगा, हे तलवार उस देश में चल, और फिर देखो उसका रिजल्ट क्या आता है, मनुष्य और पशु नाश हो जाते हैं। आया समझ में आपको? तो परमेश्वर का वचन किस तरह से परमेश्वर यूज करता है उसके कामों के लिए आपको समझ में आना है। जब शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करते तब आपको बोलना है, हे तलवार परमेश्वर की, मैं तुझे खींच कर कहती हूँ ये शत्रुओं के ऊपर चल, और वो सारे शैतान के आत्माओं को नाश कर दे। आप सोचिए, अगर परमेश्वर का ये 17th वचन काम कर दिया तो आपका शब्द क्यों नहीं काम करेगा? जब 17 किया है तो उसी को तो आपने बोला है, वो क्यों नहीं काम करेगा, है ना? अब ध्यान रखना है ये बात, इस तरह से यूज करना वॉरफेयर में, ठीक है, ब्रैकेट कर लेना और वॉरफेयर पॉइंट लिखना उसको।
यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नाश हो, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब, ये तीन ही नाम कितनी बार लिया है उसने, देखा ये अध्याय में, नूह, दानियल और अय्यूब क्योंकि ये एक ऐसे इंसान थे जिनके अंदर मैंने तो देखा है काफी मात्रा में परमेश्वर के सामने टिके रहने का हियाव था, हिम्मत था और धैर्य था, और डगमगाए नहीं वो, और जैसा बोला वैसा किया उन्होंने, जैसा परमेश्वर चाहता था वही बातों में अड़े के खड़े रह गए वो। ये मुझे दिखाई देता है उनके विषय में। नूह को भी बहुत लोगों ने चिढ़ाया होगा, क्या जहाज बना रहा है पता नहीं क्या, और दानियल को भी देखा कि परख कर कि क्या ये बहुत प्रार्थना करता है, चलो थोड़ा इसे शेर के केज में डाल दे, आग में डाल दे, ऐसे परखा। और अय्यूब को भी शैतान ने परखा। तो मुझे तो दिखाई देता है कि ये लोगों ने बहुत ही धीरज और संयम के साथ परमेश्वर के महिमा का काम देखा है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। हाँ तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे अपने धार्मिकता के द्वारा, वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। ओके, नोहा के समय उसका पूरा परिवार बचा लिया गया था, दानियल के समय उसकी पूरी राज्य जिसमें वो काम कर रहा था वो बचाया गया था, अय्यूब के वक्त में उसका सारा जो खो चुका था वो सब कुछ उसको दोबारा लौट के मिला था। तो ये अभी नहीं होगा ऐसा वो कह रहा है, क्योंकि प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी। तो आपको यहाँ पर ये चारों हथियार परमेश्वर के यूज करना है शैतान के खिलाफ में। ओके, परमेश्वर तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी को शैतान के सारे जगत के कामों के ऊपर भेज दे और उनके सत्यानाश कर दे, उसको नाश कर दे। हर शैतान का मनुष्य और हर शैतान का पशु अकाल, दुष्ट जंतु, मरी से और तलवार से डरने लगे और वो पलट जाए यीशु मसीह के नाम से। इस तरह से आपको ये वॉरफेयर में यूज करना है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 8 इसके विषय में लिखा है, ये बॉक्स करना 21 को वॉरफेयर पॉइंट बोलकर इसे ले लेना। तो भी उसमें थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेगी जो वहां से निकाल कर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएगी, और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओगे। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे, और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कि कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तो आपको आपकी यहाँ की शांति बनाए रखना है तो आपको ध्यान रखना है आपके शत्रुओं के राज्य के ऊपर और शत्रुओं के जीवनों के ऊपर। ये हथियारों को रिलीज करने की जरूरत है जो ये अध्याय के अंदर यहेजकेल में 14 अध्याय में लिखा हुआ है। ओके, अगर आपने उनके ऊपर ये हथियार, मनुष्यों के ऊपर नहीं लेकिन मनुष्य ये हथियार को देखकर डरेंगे और पीछे हटेंगे, ये आपको जरूर बोलना है। और शैतान के आत्माओं के ऊपर ये हथियार चलना है और वो नाश हो जाना है, वो सारे काम, वो सारे गढ़, वो सारी परिस्थितियां, उसके ऊपर ये हथियार परमेश्वर के गिरना है और वो नाश करना है सब कुछ, ये आपको बोलना जरूरी है। ठीक है, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे और हमें आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम से पिता मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन।